आगे हो लड़ाइए, अभी तो नहीं लड़ाइए, आगे हो लड़ाइए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। मोदी सरकार खून न खोला, खून नहीं हो पानी है। अब तक जिसका खून न खोला, खून नहीं हो पानी है। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। पिछले 3 माह का वेतन तुरंत प्रभाव से दो, प्रभाव से दो, प्रभाव से दो। पिछले 3 माह का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। पिछले 3 माह का वेतन दो, वेतन दो। दादागिरी बंद करो, सब कानूनों में श्रमिक विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। श्रमिक विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। कौन बोल जाएगा? आज पूरे देश में तमाम ट्रेड यूनियन संगठन के लोग केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ और राज्य सरकार की पुलिस राज बनाने की नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो श्रम कानून मेहनतकश मजदूरों ने संघर्ष करके प्राप्त किया है, उन कानूनों को केंद्र सरकार समाप्त करने जा रही है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। आज इसी विरोध स्वरूप, विरोध दिवस के स्वरूप आज हम यहाँ पर सहायक श्रम आयुक्त केंद्रीय के यहाँ पर हम आए हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम नारे लगा रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि हमारे जो अधिकार हैं, चाहे वो ग्रेच्युटी का अधिकार हो, चाहे पेंशन का अधिकार हो, चाहे ESIPF का अधिकार हो, चाहे बोनस का अधिकार हो, चाहे हमारे वेतन का अधिकार हो, ये तमाम अधिकारों को खत्म करने की नाकाम कोशिश अगर सरकार ने बंद नहीं की, आंदोलन को हम और तेज करेंगे। हम ये भी कहना चाहते हैं, कोरोना के समय में ये आदेश दिए जाते हैं, आंदोलन करने पर पाबंदी लगाई जा रही है कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते। कोरोना का समय है, COVID-19 का समय है, लेकिन सरकार इस COVID-19 के समय में मजदूरों की इस मजबूरी का फायदा उठा करके कानूनों को तोड़ने का काम कर रही है, मजदूर विरोधी कानून बना रही है और कारपोरेट जगत के लोगों को खुश रखने की नीति बना रही है। हमारा प्रदर्शन आज चेतावनी है केंद्र की सरकार को, हमारा प्रदर्शन आज चेतावनी है राजस्थान की सरकार को। हम ये कहना चाहेंगे कि राजस्थान की सरकार ने अभी तक न्यूनतम मजदूरी के ऊपर कोई फैसला नहीं किया है। एक सेक्रेटरी आया, उसने कहा कि न्यूनतम मजदूरी हम बढ़ाएंगे, उसके सेक्रेटरी को बदल दिया, आज वो संभागीय आयुक्त जोधपुर बन गया। इस प्रकार जो हालात बने हैं, इन हालातों के अंदर हमारे पास सिवाय संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं है। हम अशोक गहलोत को भी चेतावनी देना चाहते हैं, पुलिस राज समाप्त करे, आंदोलन की इजाज़त दे, संघर्ष करने की इजाज़त दे, और जो केंद्र सरकार दिन दहाड़े मजदूरों के खिलाफ जो कानून बना रही है, उन कानूनों को वापस ले। हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारी केंद्र सरकार हर मोर्चे के ऊपर फैल रही है, विदेश नीति पर फैल रही है, आर्थिक मोर्चे पर फैल रही है,
सामाजिक मोर्चे पर फैल रही है और दिन प्रतिदिन मेहनत कश मजदूर और किसानों के अधिकारों का हनन कर रही है। हमने संघर्ष का बीड़ा उठाया है, आगे भी इसको जारी रखेंगे।